हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में इसे प्रबोधनी एकादशी, देवोस्तान एकादशी, देव उठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु के 4 महीने बाद योग निद्रा के उठने के उपलब्ध में रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और उनसे परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। इस वर्ष ये व्रत 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में भी इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा के साथ साथ व्रत कथा का भी पाठ किया जाता है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा, जिसका पाठ करने से ये व्रत सफल हो जाता है। पौराणिक काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। इस दिन राज्य के किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता था। एक रोज दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसने राजा से नौकरी की प्रार्थना की। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा, मैं नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। ये बात सुनकर नौकर खुशी से झूमने लगे और हंसी खुशी उसने शर्त मान ली। लेकिन जब एकादशी व्रत का समय आया, राज्य के सभी लोगों ने व्रत रखा, लेकिन वो नौकर राजा के पास अन्न मांगने के लिए आया। राजा ने उसे फलाहार का सामान दिया, लेकिन वो गिड़गिड़ाया कि इससे उसकी भूख नहीं मिटेगी और वो भूखा ही मर जाएगा। राजा ने उसे अपनी शर्त दोहराई। वो व्यक्ति बोला कि उसके लिए अन्न बहुत जरूरी है। राजा ने उसकी दशा देखकर उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दे दिया। वो नियमित रूप से एक नदी के किनारे गया और उसने भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद उसने भगवान को निमंत्रण दिया और कहा, हे भगवान, अपना भोजन कर लीजिए। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।